साथियों, आज बंगाल में मां माटी मानुष की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। साथियों, माटी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका तिनका बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। आज बंगाल का मानुष परेशान है, वो अपनी आंखों के सामने अपनों का खून बहता देखता है, वो अपनों को अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखता है, वो अपनों को इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखता है, वो अवसरों के अभाव में अपनों को पलायन करते देख रहा है। और पूरा बंगाल अब एक स्वर में कह रहा है, एक स्वर में कह रहा है, आर नॉय, आर नॉय अन्नॉय, आर नॉय अन्नॉय। ये टीएमसी सरकार के कम होते दिनों की उद्घोष है। ये उद्घोष पूरे देश को सुनाना जरूरी है। भाई और बहनों, आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो कहूंगा वो बोलेंगे, सबके सब लोग बोलेंगे, पूरा हिंदुस्तान सुने, इस प्रकार से बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूं, उन शब्दों से टीएमसी सरकार की सच्चाई सामने आती है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको दो बार बोलना है, पूरी ताकत से बोलना है, आपको बोलना होगा आर नॉय, आर नॉय। मैं जब बोलूंगा उसके बाद बोलना है, और इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार, आर नॉय, आर नॉय, दो बार बोलना है, भ्रष्टाचार, आर नॉय, आर नॉय, भ्रष्टाचार, आर नॉय, आर नॉय, कालाबाजी, तोलाबाजी, आर नॉय, आर नॉय, कट मनी, आर नॉय, आर नॉय, कट मनी, आर नॉय, आर नॉय, सिंडिकेट, आर नॉय, आर नॉय, सिंडिकेट, आर नॉय, बेरोजगारी, आर नॉय, बेरोजगारी, आर नॉय, हिंसा, आर नॉय, आर नॉय, हिंसा, आर नॉय, आतंक, आर नॉय, आर नॉय, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय,
दीदी सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है, ये बंगाल की आवाज है दीदी। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दीदी बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है, उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी।